तो लॉरेंस गैंग की तरफ से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले का दावा यह है कि लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेखी की जा रही है और उसे जान से मार दिया जाएगा। पप्पू यादव को सलमान खान के मुद्दे से अलग रहने की हिदायत भी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी है ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। पप्पू यादव को फोन पर धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में जैमर प्रति घंटा 1 लाख देकर बंद करवा देता है और पप्पू यादव से बात करने की कोशिश वो कर रहा है मगर पप्पू यादव फोन पर नहीं आ रहे। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई, जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए। वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया। और क्या करा तुमने, हैं, इज्जत ही ना रखी हमारी, हैं? बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया, जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली हो के अकेले में आ फोन पे बात कर। सर पप्पू यादव को धमकी मिली है उसके लिए कुछ आवेदन दिए हैं क्या? अभी मुझे अभी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है, इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाई प्लस सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके, बाकी इस पर जाँच चल रहा है। ठीक है, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, रोहित सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद आपका रुख करते हुए, अब ये जो बातचीत की डिटेल्स सामने आ रही हैं जिसमें शख्स धमकी दे रहा है, उससे तो ऐसा मालूम होता है कि पप्पू यादव का एक कोई करीबी है, उसको अपनी कोई परेशानी है, उनसे खुन्नस है और लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, ये बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी नेहा, लेकिन जो आपने बातें कही, कम से कम ये जो ऑडियो है ये इसको सुनने के बाद काफी चीजें डाइसी लग रही हैं, शक पैदा कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ वो बहुत बहुत सम्मान के साथ बातचीत कर रहा है, उसके बाद पूरा जो तमाम एड्रेस है पप्पू यादव के वो दे रहा है, उसके बाद पप्पू यादव क्या क्या सोशल वर्क का काम कर चुके हैं वो भी जानकारी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये डिटेल्स भी दे रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई 1 लाख रुपया देकर 10 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए जैमर बंद करा देता। बस यही बात है जो और भी एजेंसीज है जिन्होंने ऑडियो सुना वो इसको एक शक के दायरे पे देख रही है, एक दूसरे नजरिए से देख रही है। लेकिन अब चूंकि गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव खासतौर से जब बाबा सिद्दीकी का ही मर्डर हुआ उसके बाद से वो खुद सामने आए और सामने आकर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर कहा और ये भी कहा कि अगर उनको मौका मिले तो वो खत्म कर देंगे पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। उसके बाद इस तरह का अगर वो दावा कर रहे पप्पू यादव तो उसको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और बिहार पुलिस उस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। ठीक है, मैं रोहित सिंह का भी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि पप्पू यादव ने लॉरेंस को 2 टके का अपराधी बताया था लेकिन बाद में वो चुप हो गए थे। हम आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो लॉरेंस के बारे में पूछने पर उखड़ गए थे। ये ट्वीट है पप्पू यादव का जिसमें 2 टके का अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को बता रहे हैं, पूरा नेटवर्क 24 घंटे में खत्म करने की चुनौती भी दे रहे हैं। हमने पप्पू यादव जी आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए,
मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा, गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था आप तेज बैट बनिए। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, पहले पप्पू यादव खुद ही ट्वीट करके चैलेंज करते हैं लॉरेंस बिश्नोई इनके गैंग को, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा जाता है तो उखड़ जाते हैं, तो क्या इस बीच उन्हें ये धमकी भरे कॉल आ चुके थे जिसके बाद वो संभल गए? है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर धमकी दी थी पप्पू यादव ने, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही उनको इस बात का एहसास हो गया था कि उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही लिख दिया है या ज्यादा ही कुछ जो है वो बोल दिया है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को लेकर, और इसीलिए अगले दिन ही जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, उनकी एक तरीके से कहें तो घिग्गी बन गई थी और वो लगातार बचते नजर आ रहे थे। यानी कि पप्पू यादव को एहसास हो गया था कि जो उन्होंने धमकी दी थी 2% का अपराधी बताते हुए कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को 24 घंटे में समाप्त कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया था और इसीलिए वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। अब जो उन्होंने ऑडियो क्लिप्स जो कुछ सामने रखे हैं और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट रखा है जहां उनको धमकी दी जा रही है, रेस्ट इन पीस कर दिए जाने की बात की जा रही है, तो इसको देखिए दो नजरिया है। जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे कि क्या ये वाकई में कोई धमकी मिली है पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, या ये केवल एक सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी जो है एक कवायद हो सकती है पप्पू यादव की, क्योंकि देखिए जो जानकारी हमें मिली है कि इस पूरे घटना के बाद धमकी आने के बाद पप्पू यादव ने बिहार सरकार को पत्र भी लिखा है और अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग भी की है। यानी कि दोनों पहलू जो है इस पूरे घटनाक्रम के जो अब सामने आ चुका है, और पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब पप्पू यादव जो है सुरक्षा की जो है गुहार भी लगा रहे नीतीश कुमार सरकार से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी जान को खतरा है, और इसको लेकर भी राजनीति तेज तेज हो गई है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।